हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था टॉप 5 कंपाउंड एक्सरसाइज, जो कि एक बैक मसल ग्रुप के लिए था। उसी तरीके से हम इस वीडियो में टॉप 5 कंपाउंड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक शोल्डर के लिए है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज के वीडियो, जिसका टॉपिक है टॉप 5 कंपाउंड एक्सरसाइज फॉर शोल्डर मसल्स। तो दोस्तों, मैंने नंबर 5 पे रखा है शोल्डर बारबल प्रेस, जो कि एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। और यहाँ पे हमारा जो टारगेटेड मसल होता है वो एंटीरियर और लेटरल हेड होता है, यानी कि फ्रंट शोल्डर और साइड शोल्डर होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा और भी मसल इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स, और उसी के साथ साथ हमारा पोस्टीरियर मसल भी इंक्लूड होता है। तो दोस्तों, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो कि एक शोल्डर के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नंबर 4 पे रखा है डंबल शोल्डर प्रेस, जो कि आप देख सकते हैं कॉमन एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर की। और यहाँ पे भी हमारा जो टारगेटेड मसल होता है वो साइड शोल्डर यानी कि लेटरल हेड, फ्रंट शोल्डर यानी कि एंटीरियर, और हमारा रियल डेल्ट यानी कि बैक शोल्डर, तीनों हिट होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा और भी मसल इंक्लूड होते हैं, जिसमें हमारा ट्राइसेप्स भी आता है, और यहाँ में हमारा जो सबसे अपर पार्ट है चेस्ट का वो भी इंक्लूड होता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप स्टैंडिंग डंबल शोल्डर प्रेस भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों को सेम कैटेगरी में ही रखा है। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पर, जो कि है एक आर्नोल्ड शोल्डर प्रेस, जो कि एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। और ये भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, जहाँ पे हमारा जो मल्टीपल मसल इंगेज होता है हमारी सिंगल एक्सरसाइज में। और यहाँ पे हमारा जो लेटरल हेड और जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर हेड, यानी कि तीनों शोल्डर के तीनों हेड, फ्रंट शोल्डर, साइड शोल्डर और बैक शोल्डर, तीनों मसल हिट होते हैं। तो दोस्तों, ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने वर्कआउट स्प्लिट में। और दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, यानी कि आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, और उसी के साथ साथ आप अच्छा खासा मसल मास अपने बॉडी पे पुट कर पाते हैं। सो दोस्तों, नंबर 2 पे रखा है वन ऑफ माय बेस्ट एक्सरसाइज, जो कि है अपराइट रो। और यहाँ पे आप डंबल से भी लगा सकते हैं, और मैं यहाँ पे ओलंपिक बार से लगा रहा हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। और मैं अपने शोल्डर वर्कआउट स्प्लिट में इस एक्सरसाइज को रखता ही रखता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आप मल्टीपल मसल को टारगेट कर पाते हैं, जैसे कि आपका शोल्डर, जहाँ पे शोल्डर में हमारा तीनों हेड आते हैं, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल को भी हिट करते हैं। सो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने वर्कआउट स्प्लिट में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नंबर 1 पे रखा है बारबल शोल्डर प्रेस बिहाइंड द नेक। सो दोस्तों, मेरी ये फेवरेट एक्सरसाइज है, और मेरी सारी शोल्डर की वर्कआउट स्प्लिट में आपको ये एक्सरसाइज जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है, जहाँ पे आपका जो शोल्डर है वो तीनों के तीनों हेड हिट होते हैं, और उसी के साथ साथ आपका ट्रेपीजियस मसल भी हिट होता है। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर मसल को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है, और इसी के साथ साथ जो मोबिलिटी है शोल्डर की वो इम्प्रूव करती है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।